नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। अमृतसर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज भटूरे खाने का मन है, मौसम बहुत हसीन है, तो चलिए साबरी भटूरा शॉप पे आए हैं, भटूरे चने खाते हैं, न्यूट्री कुलचा खाते हैं, लेट्स गो। तो साबरी भटूरा शॉप के जो भटूरे हैं वो बहुत ही फेमस है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे भटूरे निकल रहे हैं। उस्ताद जी कौन सा ऑयल यूज़ होता है ये? सोयाबीन रिफाइंड यूज़ हो रहा है। ये देखिए भटूरे निकल के आ रहे हैं। सेटिंग चेंज हो गई है जी, जो पुरानी की दुकान थी उनके बिल्कुल साथ में इन्होंने नया खोल दिया, और ये देखो सारी सेटिंग ही है, देखिए क्या बात है, एसी हॉल है, लुक एट दिस, इस टाइम पूरा फुल है, एक भी टेबल खाली नहीं है। तो मौसम अच्छा है यार, हम लोग बाहर खाते हैं आज। ये लीजिए जी, ये है यहाँ के फेमस छोले, और यहाँ पे पनीर का जो पीस है ये फ्राइड होता है बीच में, है ना। और ये आ गया जी, साथ में प्याज वगैरह आ गया, ये पुदीने की चटनी आ गई साथ में, ये गाजर का अचार, ये प्लेट तैयार है जी। कितने की होती है प्लेट ये? सर 50 रुपीज़ की प्लेट है। तो जनाब हम लोग साबरी भटूरा शॉप पे हैं, मौसम बेहतरीन है, भटूरे मज़ेदार हैं, साथ में है छोले, ये देखिए पनीर का पीस है, अचार है, चटनी है, और दो तरह के मैंने यहाँ पे भटूरे कराए हैं, वीडियो में इनकी पहले बना चुके हैं। पिछली बार हमने इनका स्टफ्ड भटूरा नहीं खाया था, आज वो भी मैंने मंगवाया, और यार इतना फुला फुला सा गुब्बारे जैसा भटूरा है, बहुत लाइट होता है मैं आपको बता देता हूँ। और जो छोले इनके बड़े मज़ेदार हैं, छोलों के साथ ना हम पंजाबियों का एक गहरा रिश्ता है, हमारे रोम रोम में छोले बसते हैं, जैसे जम्मू वालों के राजमा होते हैं। एब्सोल्युटली डिवाइन यार, मज़ा आ गया। और ये इनके स्टफ्ड भटूरे हैं, थोड़ा आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ इसके अंदर की फिलिंग, ये देखिए देख रहे हो, ये देखिए आलू वगैरह के अंदर ना फिलिंग रहती है प्रॉपर, ये देख रहे हो, लुक एट दिस। तो ये जो भटूरा है ये अपने आप में बहुत यूनिक है, अमृतसर में बेशक मशहूर है, टेस्ट करते हैं इसको भी। रश बहुत है, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे, और अंदर मैंने आपको सेटिंग दिखाई, एसी हॉल है, पूरा फुल पड़ा इस टाइम पे, भीड़ पूरी लगी है, लोग वेट कर रहे हैं बाहर। हाय हाय, ये पनीर के साथ चेक करो यार पीस, ये देखिए ये है पनीर के साथ पीस, साथ में लेते हैं थोड़ी सी चटनी प्याज। मज़ेदार यार, मज़ा आ गया। तो भाई हमने भटूरे चने खा लिए, और यहाँ की न्यूट्री कुलचा ही बहुत फेमस है, और ये मेरा भाई, शक्ल दिखाई यार, क्या मैंने पहचान गया जब मैं आया उधर। 2 साल पहले हमने इनकी वीडियो बनाई थी, सेम सारी वही पुदीने की चटनी, अचार, प्याज, है ना। कुलचे देखो जी, ये डिप करके देंदे जी कुलचे, शक्ल देखो, ये देखो शक्ल, क्या बात है। भटूरे चने हमने खा लिए, न्यूट्री कुलचा आ गया जी, ये देखो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। और इधर ना ये भैया खड़े हैं, मौसम बड़ा अच्छा, हल्की हल्की ना बारिश की माहौल है, ये अंदर बैठ के खा ले, अंदर तो जगह नहीं मिली, पूरा अमृतसर का जो टच है ना वो आ गया इस बार। भैया के ऑटो में बैठ गए, थैंक यू भैया आपको अलाउ करने के लिए यार।
वाह भैया, कोई सवारी लेके आए थे यहाँ पे उनको न्यूट्री कुल्चा खिलाने। बहुत ज़बरदस्त है न्यूट्री कुल्चा। ये जो स्वाद है ना न्यूट्री कुल्चे का, ये आपको अमृतसर के अलावा ये स्वाद नहीं मिलेगा। आपको पंजाब में बहुत सारी जगहों पे न्यूट्री कुल्चे मिल जाएंगे, पर ये चीज़ नहीं मिलेगी। पर एड्रेस बता दो जगह का। सर, क्रिस्टल चौंक क्वींस रोड विक्टोरिया लाइन। क्रिस्टल चौंक विक्टोरिया लाइन, हाँ जी, क्वींस रोड है। क्वींस रोड विक्टोरिया लाइन। और आप ये खाओ, आपको फिर हलवा और गुलाब जामुन। हलवा और गुलाब जामुन कह रहे हैं, वो भी खाएंगे, इनके फेमस है। तो लंच आज बड़ा हैवी सा हो गया, पर बहुत मज़ेदार सा हो गया। अब ये है इनका गुलाब जामुन, तो टेस्ट करते हैं। ये देखो, लेट्स ट्राई दिस। गुलाब जामुन हलवा दोनों देसी घी में, प्योर देसी घी की प्रिपरेशन है जी। वाकई बहुत उम्दा स्वाद है। वैसे तो सर्दियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, गर्मियां आगाज में हैं। गुड़ का हलवा जो है बेसिकली सर्दियों में मिलता है। ये अभी ख़त्म हो जाएगा और मेरे ख्याल 10-15 दिन। गर्मियों में तो नहीं बिकता ये, ठीक है। ये सर्दियों के तोहफे हैं जी अमृतसर के, तो लेट्स ट्राई दिस। मज़ेदार। कभी भी आप अमृतसर आ रहे हैं, क्वींस रोड पे बहुत ही फेमस है साबरी भटूरा शॉप। सबसे पहले तो उनके आप भटूरे ज़रूर खाइएगा, न्यूट्री कुल्चे बहुत फेमस हैं। उसके बाद गुड़ का हलवा है, गुलाब जामुन है, और भी शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी, लस्सी वगैरह भी मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे पैकिंग्स भी बहुत लोग करवा के जा रहे हैं। तो हम लोग आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर कर देना कोई भी क्वेश्चन हो। मिलके बिछड़ना दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो।